आरटीडीसी की ओर से संचालित शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील जयपुर पहुंची। शाही ट्रेन में बैठकर 8 देशों के 31 टूरिस्ट गांधीनगर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां राजस्थानी परंपरा से पर्यटकों का भव्य स्वागत किया गया। कलाकारों ने कच्ची घोड़ी और लोकवाद्य बजाते हुए टूरिस्ट की अगवानी की। लोक कलाकारों ने तिलक लगाकर और माला पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया। राजस्थान की शान पैलेस ऑन व्हील 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से किए गए रेनोवेशन के बाद यात्रियों के लिए शाही सफर पर निकली है। पैलेस ऑन व्हील का संचालन करने वाली निजी कंपनी के एमडी जनरल भगत सिंह लोहागढ़ ने बताया कि शाही रेलगाड़ी को इस बार महाराजा रेस्टोरेंट को आमेर के शीश महल की तर्ज पर तैयार किया गया है। इस लग्जरी ट्रेन में 5 स्टार से भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध है। इस सीजन में पैलेस ऑन व्हील 32 फेरे करेगी। ये ट्रेन दिल्ली से शुरू होकर जयपुर, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर और आगरा के ताजमहल तक जाएगी। यात्रियों को 5 स्टार सुविधाओं के साथ में रॉयल फैमिली जैसे कैमरों का इंतजाम किया गया है। जहां पर गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर पैलेस ऑन व्हील शाही रेलगाड़ी का जायजा लिया हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण ने। पैलेस ऑन व्हील जो कि लग्जरियस और हेरिटेज ट्रेन है, 42 साल पुराने से ये चल रही है। आज उसका पहला दिन है। कल ये इसका फ्लैग ऑफ हुआ था और आज ये जयपुर पहुंची। आज ये पहला दिन है इस सीजन का। और इस ट्रेन को हमने रिनोवेशन करके इसका जो एक रेस्टोरेंट है उसको हमने बिल्कुल शीश महल थीम पर बनाया है, जिसको कि आप देखेंगे तो आप खुद ताज्जुब करेंगे कि जो आमेर किले का जो शीश महल है उसके जो पूर्वजों ने जो शीश महल बनाया उनके वंशजों से ही शीश महल हमने बनवाया है। एक तो उसकी खासियत यह है, दूसरा सेम उसकी कॉपी है, आमेर महल के शीश महल की कॉपी है। दूसरा उसके अंदर जो मार्बल के पैनल लगे हैं नक्काशी के, वही पैनल हमने इसमें भी यूज करें, शीश महल में यूज करें। दूसरा रेस्टोरेंट हमने गोल्डन थीम पर, गोल्डन फोर्ट जो कि जैसलमेर का फोर्ट कहा जाता है। दुनिया की सबसे महंगी ट्रेनों में शुमार शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील जो है आज दोबारा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। पर्यटकों के लिए ये खास तौर से ये ट्रेन का काफी उत्साह रहता है। विदेशी पर्यटक बड़ी तादाद में आती है। इस ट्रेन में खास तौर से इस बार कई तरह के बदलाव किए गए हैं। खासतौर से महाराजा रेस्टोरेंट को शीश महल की तर्ज पर यहाँ पर सजाया गया। खास बात है कि शीश महल को जो है तैयार करने वाले कारीगर जो है वही कारीगर है जो शीश महल को बनाने वाले थे, उसी थीम पर इसको सजाया गया है। और ये रेस्टोरेंट एरिया है महाराजा रेस्टोरेंट, जिसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पर देखेंगे आपके जो चम्मच और जो यहाँ पर आप देखेंगे कि चांदी के हैं, यहाँ पर ग्लास और सभी जो आइटम है यहाँ पर चांदी के। इसके अलावा वर्क जो है खास तौर से शीश महल की तरह जो वर्क है पूरी तरीके से डब्बे के अंदर किया गया है। महाराजा रेस्टोरेंट है और ये गाड़ी आज दिल्ली से कल शाम को रवाना हुई थी और अभी जयपुर पहुंची है। और इस के अंदर जो है विदेशी सैलानी 30 से अधिक टूरिस्ट यहाँ पर इसमें पहुंचे हैं। और इस शाही गाड़ी के बारे में कहा जाता है कि शाही गाड़ी का महंगा सफर होता है, लेकिन सफर इतना आनंददायक होता है कि आप देखेंगे ये एरिया है शीश महल की तरफ दिखाना चाहेंगे। ये शीश महल आप देखेंगे, ये शीश महल है यहाँ पर और ये रेस्टोरेंट है। इसको खास तौर से सजाया गया है। इस बार की बात की जाए तो गोल्डन थीम पर इसको सजाया गया है और चांदी का और पीतल का काम इस पर किया गया है। इस वर्क पर आप देखेंगे ये गोल्डन थीम है और इसके ऊपर जो है चांदी का वर्क भी यहाँ इस बार महाराजा रेस्टोरेंट के अंदर किया गया है। पैलेस ऑन व्हील शाही गाड़ी जो है राजधानी जयपुर के गांधीनगर स्टेशन पहुंच चुकी है और गांधीनगर स्टेशन पर जो है पर्यटकों का शाही मेहमानों का जो है शाही अंदाज में जो है स्वागत किया जा रहा है। आप देखेंगे ये यहाँ पर राजस्थानी लोक कलाकार है जो इन मेहमानों का जो है शाही स्वागत यहाँ पर करते हुए, और मेहमान यहाँ पर जो लोक कलाकार है वो आए हुए हैं और राजस्थानी लोक संस्कृति के अनुरूप यहाँ पर जो है स्वागत किया जा रहा है। आप देखेंगे मेहमान यहाँ पर मौजूद है और शाही पैलेस ऑन व्हील गाड़ी यहाँ पर पहुंच चुकी है और यहाँ पर जो है पर्यटकों का स्वागत किया जा रहा है। और इस गाड़ी में जो भी मेहमान आए हैं उनको यह मेहमान नवाजी की जा रही है। और इस गाड़ी में जो है शाही पैलेस ऑन व्हील जो कि गांधीनगर स्टेशन पर था दिल्ली से रवाना हुई और 7 दिन का ये पूरा है जिसमें यहाँ पर पहुंचे। आप देख रहे हैं ये मेहमान जो है लोक कलाकार यहाँ पर कलाकारों के लिए यहाँ पर स्वागत। शाही गाड़ी के अंदर मेहमान यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश। यू कम इन शाही रेल सफर, बिग अमाउंट पे लेकिन लग्जरी फैसिलिटीज अवेलेबल दिस शाही पैलेस।
See, it is worth paying this for this luxury. Whatever the arrangements they made, whether it is the food or the accommodation with the train, all are good. They are good. Your good name? My name is Adi Narayana. Adi. Okay, यहाँ पर देखेंगे यात्री भी यहाँ पर काफी खुश नजर आ रहे हैं. Oh, they are Indians. Like this. गाड़ी के सी स्मेल का ये महाराजा रेस्टोरेंट सी स्मेल की थीम पर सजाया गया है और इस के अंदर खासतौर से चांदी और सोने का वर्क यहाँ पर किया गया है और सी स्मेल की तर्ज पर पूरी तरीके से इसको तैयार किया गया है और इसके अलावा अलग का जो है रूम्स दो अलग अलग तैयार किए गए हैं यहाँ पर डिलक्स और लग्जरी रूम साई ट्रेन के अंदर है और ये रेस्टोरेंट का सी स्मेल एरिया आप दिखाएंगे हम और इसके बाद आगे की तरफ हम ले जाना चाहेंगे इस शाही गाड़ी को खासतौर से न केवल राजस्थान और देश की बाकी दुनिया की भी इसको शाही गाड़ी में शुमार है और ये आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है अब आप ये रूम्स है यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे हम ये एरिया है जहाँ पर ये रूम अलग अलग तैयार किए गए हैं शाही गाड़ी के अंदर आप पूरा राजशाही ठाट के साथ सफर कर सकते हैं और इस पैलेस ऑन व्हील्स गाड़ी जो है आरटीडीसी जो है इसको जो है संचालित करता है हालांकि इस बार जो है इस ट्रेन को जो है अगर बात की जाए तो ट्रेन आरटीडीसी को 1.5-2 करोड़ का रिव्यू होता था निजी कंपनी के जब से ऑपरेट कर रही है तो 5 करोड़ से अधिक रेवेन्यू मिलने का दावा जो है यहाँ पर आरटीडीसी तरफ से किया जा रहा है क्योंकि इस ट्रेन को निजी संचालन के हाथों में देने के बाद में रेवेन्यू में इजाफा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि इस ट्रेन को आने वाले समय में और अधिक यात्री यहाँ पर आकर्षित होंगे और विदेशी सैलानियों के साथ यहाँ पर अब स्थानीय लोग जो है इंडियन टूरिस्ट भी इस गाड़ी में सफर करने लगते हैं और इस गाड़ी के अंदर पूरी तरीके से शाही इंतजाम यहाँ पर रेल आरटीडीसी की जो ट्रेन संचालित हो रही है उसमें किए जा रहे हैं ताकि यात्री और अधिक आरामदायक तरह सफर कर सके और शाही लग्जरी गाड़ी का अनुभव और अच्छे से ले सके. कैमरा पर्सन गिरिराज के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 TV न्यूज़, जयपुर.